कितनी सारी फिशेज हैं। दिस इज अवर लास्ट गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। और यहाँ से अभी अभी ना डक्स अभी अभी इनको खोला है, रात को बंद कर देते हैं। जा रहे हैं सुबह सुबह बीच पर और पूरा बस एक साल का कोटा पूरा कर लेंगे अभी जाके, ताकि एक साल तक याद ना आए। वैसे तो जाते ही आने लग जाती है बीच की याद। वैसे भी अगर दो चार दिन एक्स्ट्रा रहेंगे ना तो बोर होने लग जाएंगे, तो इसलिए ना इसका ये जवानी दीवानी का डायलॉग नहीं है, सही टाइम पे हर जगह से कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लग जाते हैं। तो इसलिए हम सही टाइम पे यहाँ से अब कट लेंगे, नहीं तो गिले शिकवे होने लग जाएंगे। खैर, लेट्स कंटिन्यू टू द ब्लॉग। क्या करो? अच्छा, ये पानी कल आया यार, कल तक तो पानी नहीं था। यहाँ से हम ये ब्रिज पे से यहाँ से निकल के उधर से जाना पड़ेगा। आउच, इसके अंदर से निकल कर आई मैं। यस, जंप पार के आ जाओ। ओके, वो मुझे वहां से बता रहा है कि कैसे करना है। ये पता नहीं बाहर अंदर से कहीं से ये पानी आया होगा नाले वाले का। नहीं नहीं, लहर नहीं है ये। अच्छा, उनके तो शायद वाक के पास पूरा भर गया। अरे भाई साहब, तो रात में पानी बहुत ऊपर तक आया है, जिस वजह से ना पूरा पानी भर गया वहां पे भी। और ये सनराइज हो रहा है पीछे। वाव, सामने अभी हम अमित को रास्ता बताने जाते हैं कि कैसे कैसे आना है। मम्मा घर में तो चेस पकड़ेगी। चेस पकड़ लूं? वैसे तो अभी बाल के जाना खाता है लगता है। क्या लेके? अच्छा, इसके बीच में से या हाँ, और फिर यहाँ से, हाँ अब यहाँ से जंप कर लो। यहाँ से जंप कर देना। मैं तो उसके अंदर से निकल के आई थी जहाँ पे डंडे हैं। उसके अंदर से निकल के आई थी। एक डॉगी आया हुआ था हमारे पास, छोटा सा पपी था और चाट रहा था हमें। वो डॉगी ब्लैक कलर का था, उसको ढूंढना पड़ेगा। कैसे कहला था? कैसे कहला था? कैसा करता बताओ? ऐसे कहला था कि वो मुझे भूख लगी है, ऐसे कहला था। चलो अभी ठीक है। और पार भी कर रहा था वो। पार करके भी कह रहा था मुझे भूख लग ली है। पार करके कह रहा था मुझे भूख लग ली है। वो आ रहा है भाग भाग के। ये रहा, ये तो बड़ा है बेटा, हमारे वाला तो छोटा पपी था। फाइनली वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम गोवा। कैसे ट्रिप थी आपकी? हाउ वाज योर ट्रिप? हाउ, कितनी अच्छी थी? 100 अच्छी थी। 100 इज इसकी टॉप मोस्ट काउंटिंग होती है। चेकआउट तो कर लिया, अभी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे से क्रिसमस डेकोरेशन किया हुआ है। ये यहाँ पे प्ले जोन है, तो काना को ये बड़ा पसंद है। तो चेकआउट करने से पहले भी ये खेल लो। यहाँ पे ये एक प्ले स्टेशन कुछ बना हुआ है। ये भी एक बार दूसरे वाला उठाओ ना।
नहीं लग रहा है, ऑटोमेटिक है।